हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 11वें यूनिट का 16वां वीडियो है, और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है यूनिट नंबर 11 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। तो बेटे आज हम यूनिट नंबर 11 के एनसीईआरटी की किताब के पाठ्य निहित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 11 अर्थात एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यही तो है यूनिट नंबर 11 का नाम। तो यूनिट नंबर 11 के पाठ्य निहित प्रश्न हमें हल करने हैं बेटे आज, और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम एक एक करके हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे कि कौन कौन से पाठ्य निहित प्रश्न दिए गए हैं, और उन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखो जरा, इन्होंने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मैं लिखता हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाठ्य निहित का पहला क्वेश्चन 11वीं यूनिट का। इन्होंने कहा है निम्न को प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। निम्न को या निम्नलिखित को प्राथमिक कोमा द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इन्होंने अल्कोहल दे रखे हैं कई प्रकार के, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। ये चीजें बेटे मैंने आपको सिखा रखी हैं कि किस तरीके से पहचान करते हैं। जैसे सबसे पहला देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ CH3 है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ CH3 है, और नीचे भी एक CH3 है, और इसके आगे जुड़ा है बेटे CH2OH। ये है, इसे बताना है हमें कि ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसकी पहचान के लिए आपको पता है आप क्या करोगे। ये जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन तो केवल इस कार्बन से एक से ही तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है। तो हमारा जो अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा है तो मैं इसे कहूंगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहूंगा बेटे? ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। समझ में आ रही ना बात? 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी ही तो होता है। 1 डिग्री लिख दो या प्राइमरी लिख दो या प्राथमिक लिख दो, आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसे प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहा है, क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है। OH ग्रुप कैसे कार्बन एटम से अटैच है बेटे? प्राइमरी से। नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है, इसे देखो बेटे, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है ना। जैसे ये 1 डिग्री कार्बन था, तो जब ये 1 डिग्री कार्बन है, आपको पता है प्राइमरी कार्बन क्यों है ये? क्योंकि
एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो ये वाला एल्कोहल भी एक प्राइमरी एल्कोहल होगा। ये भी कैसा एल्कोहल होगा? प्राइमरी एल्कोहल ही है बेटे, ये भी पहले वाला भी प्राइमरी एल्कोहल था और दूसरे वाला भी प्राइमरी एल्कोहल है। अब नंबर तीन पे आ जाओ आप, नंबर तीन, तीसरा दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर OH। अरे ये तो ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है इससे, तो ये भी अपने आप में एक प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है बेटे? ये भी एक प्राइमरी एल्कोहल है। नंबर चार पे आ जाओ, चलो नंबर चार देखते हैं। आपको पता है कि OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और यदि OH ग्रुप टर्सरी कार्बन एटम से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल उसे आप कहोगे। ठीक है बेटे, फोर्थ देख रहे, चलो क्या है फोर्थ में? इन्होंने यहां दिया OH, OH के बाद नीचे दिया यहाँ सिंगल बॉन्ड से CH, और CH के नीचे जोड़ रखा है इन्होंने रिंग, इस तरह का बेंजीन रिंग जोड़ रखा है एक, और बेटे यहाँ फिर जोड़ रखा है इधर CH3। अब ध्यान से देखो आप जरा, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बताओ? ये कार्बन एक तो इससे जुड़ा है, और एक नीचे यहाँ भी तो कार्बन है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ कार्बन ही तो है, इसका मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक और एक दो कार्बन से जुड़ा है, यानी कि वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन एटम है। कैसा है? सेकेंडरी। जब सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो जब OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है तो मैं इस एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहूंगा, या सेकेंडरी एल्कोहल कहूंगा, या द्वितीयक एल्कोहल कहूंगा। तो ये बेटे एक द्वितीयक एल्कोहल है, नंबर चार पे जो हमें दिया है कंपाउंड। अब आ जाओ नंबर पांच, नंबर पांच पे देखते हैं। चलो नंबर पांच पे इन्होंने इस तरह का एक बेंजीन रिंग बनाया है, ये बना दिया हमने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ जोड़ा है इन्होंने CH2, फिर जोड़ा है CH, CH2 के बाद जोड़ा है CH, और CH के नीचे जोड़ा है इन्होंने OH, और CH के आगे जोड़ा है इन्होंने CH3। इस कंपाउंड को देखो ध्यान से आप, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो बिटके 2 डिग्री कार्बन है, देख लो चाहे सेकेंडरी है, क्योंकि एक और एक दो, ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो मैं इस कार्बन को द्वितीयक कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन एटम कहूंगा। तो एल्कोहल जब सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो OH ग्रुप जब सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा होगा? द्वितीयक एल्कोहल होगा। क्या होगा बेटे? द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल आप इसे कह सकते हो। ठीक है बेटे, ये हो गया नंबर कौन सा था? ये पांचवा। अब नंबर छह पे आ जाओ आप, नंबर छह यहाँ लिखते हैं, चलो नंबर छह। नंबर छह में इन्होंने इस तरह का एक रिंग दिया है बेंजीन रिंग, ये बना दिया हमने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर इन्होंने जोड़ा है CH, ये जोड़ दिया हमने CH, CH के बाद डबल बॉन्ड CH, फिर एक CH इस तरह जोड़ा है, और फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन के ऊपर भी CH3 है और कार्बन के नीचे भी CH3 है, और कार्बन के आगे है बेटे OH। अब बताओ ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? देखो एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन है। कैसा है? 3 डिग्री कार्बन, तो आप इसे कहोगे तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये कंपाउंड एक टर्सरी एल्कोहल है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि दिया गया अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल में से कौन सा है। आपको केवल ये बात देखनी है कि तो OH ग्रुप जो है ना वो OH ग्रुप कौन से कार्बन एटम से अटैच है, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से। ठीक है बेटे, एल्कोहल तीन प्रकार के इस आधार पर हो सकते हैं, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्वाटरनरी एल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि OH ग्रुप यदि क्वाटरनरी कार्बन पे अटैच करने की कोशिश करे तो क्वाटरनरी कार्बन तो उसे कहते हैं जिस पर चार कार्बन एटम अटैच होते हैं पहले से ही, तो OH के जुड़ने के लिए तो जगह ही नहीं वहां बचेगी, तो
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं बेटे? तीन प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, फिर इन्होंने यूं कहा है कि ऑप्शन नंबर दो कर रहे हैं हम, उपरोक्त उदाहरणों में से एलाइलिक अल्कोहल को पहचानिए। उपरोक्त उदाहरणों में से, चलो एलाइलिक ही लिखो, एलाइलिक अल्कोहल को पहचानिए। अब इसके लिए बेटे आपको पता होना चाहिए एलाइल ग्रुप। एलाइल का पता है आपको, एलाइल किस तरह लिखा जाता है? देखो, एलाइल का मतलब मैंने आपको सिखाया था, एलाइल का मतलब होता है डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर जो कार्बन आया उस पे जुड़ा होगा कोई क्रियात्मक समूह, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह। देखो, पहचान लो ऐसा कौन है इनमें से, इन उदाहरणों में से ऐसा कौन है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ रहा हो फिर क्रियात्मक समूह आ रहा हो? भाई इसमें तो डबल सिंगल है नहीं कहीं भी, इसमें है देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर क्रियात्मक समूह OH आ गया। तो एक तो ये है एलाइलिक अल्कोहल, नंबर सेकंड वाला आंसर लिख रहे हैं हम यहाँ, इसका आंसर है सेकंड वाला। ये कह रहे थे इनमें से छांट के बताओ कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है, तो हमें देखना है जहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर OH आता हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर OH है। एक तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक तो ये है बेटे, और देखो कौन सा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पहला देख ला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में तो नहीं है सन्ना, पांचवे में देखो है क्या डबल सिंगल, हाँ इसमें है देखो, छठे में डबल सिंगल और फिर कार्बन के ऊपर OH, एक ये छठे वाला है, छठे वाला भी एलाइलिक अल्कोहल है। ये बेंजीन रिंग बना दी, ऐसे बना दू बेटे, और यहाँ CH, ये डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी एक CH3 है, नीचे भी एक CH3 है और यहाँ है OH। तो ये हैं दो बेटे एलाइलिक। एलाइल की पहचान हमेशा आप ऐसे ही करोगे, डबल सिंगल और क्रियात्मक समूह, डबल सिंगल और क्रियात्मक समूह, तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। ठीक है बेटे, इन्होंने कहा था उपरोक्त उदाहरणों में से एलाइलिक अल्कोहल को पहचानिए, तो इन उदाहरणों में से एलाइलिक अल्कोहल मेरे हिसाब से दूसरा है, क्योंकि डबल सिंगल इसमें आ रहा और छठा है डबल सिंगल इसमें आ रहा, और तो किसी कंपाउंड में आपको डबल और सिंगल नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है बेटे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे, चलो ध्यान से देखियो जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा निम्नलिखित यौगिकों के, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता हूं मैं क्वेश्चन में, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम लिखने हैं, एक एक करके लिखेंगे। पहला यौगिक देखते हैं क्या है, पहला यौगिक है यहाँ तो है CH3, फिर है CH2 और फिर है CH, और CH पे नीचे जुड़ा हुआ है CH2Cl, और CH के आगे जुड़ा हुआ है CH, इस CH पे ऊपर जुड़ा है CH2OH, CH2OH यहाँ जुड़ा है ऐसे ऊपर, और फिर उसके बाद फिर CH है, और इस CH पे नीचे जुड़ा है CH3, और फिर है आगे भी एक CH3 है, इस तरह है। तो इस यौगिक का हमें IUPAC नाम लिखना है। बेटे एक बात बताओ, इसमें कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, 1 2 3 4 5 6 आ रही, ठीक है, पर इस श्रृंखला में प्रधान क्रियात्मक समूह का होना आवश्यक है। भाई एक तो ये क्रियात्मक समूह आ रहा है यहाँ, क्लोरोमिथाइल आप इसे कह सकते हो,
एक ये आरा मिथाइल भी, ये भी है, पर ये तो प्रधान क्रियात्मक समूह तो OH है। यदि हम इसे आप श्रृंखला मानोगे, मुख्य श्रृंखला यदि आप इसे मानोगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें प्रधान क्रियात्मक समूह तो आएगा ही नहीं बेटे। तो जो आपकी मुख्य श्रृंखला मानने का तरीका है, उसका नियम ये भी है कि हाँ वो सबसे बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए, पर उसका नियम ये भी है कि उसमें प्रधान क्रियात्मक समूह तो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए इसमें भले ही 1 2 3 4 5 6 मेंबर हों, पर आप इसे मुख्य श्रृंखला नहीं मान सकते हो, क्योंकि इसमें प्रधान क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है। तो आप यदि श्रृंखला को ऐसे लेके चलो, ऐसे देखिए जरा, 1 2 3 4 5 आ रहे, पर इसमें प्रधान क्रियात्मक समूह तो आ गया, तो आप इसे ही मुख्य श्रृंखला मानोगे। नंबरिंग 1 2 3 इधर से करोगे, तीसरे नंबर पे ये आ रहा, और इधर से करोगे तो पहले नंबर पे ही हो ऐसे। तो आप इस वाली श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मान के चलोगे, और नंबरिंग यहां से करोगे 1 2, और ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, इस तरह नंबरिंग करोगे आप। और जब आप इस तरह नंबरिंग कर दोगे तो ये मुख्य श्रृंखला है, तो फिर ये कोई साइड चेन या क्रियात्मक समूह नहीं होगा, फिर तो ये पूरा का पूरा ही होगा। देखो ये पूरा मुख्य श्रृंखला के ऊपर तीन क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, एक तो पहले नंबर पे तो OH आ रहा है, जिसे हमें सबसे बाद में लिखना है, दूसरे नंबर पे आ रहा है ये कौन सा ग्रुप है बताओ, लो यहाँ बॉन्ड बना के दिखा दिया, कौन सा ग्रुप है, तीन कार्बन वाला एल्काइल प्रोपाइल, और ये CH से बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ बीच वाले कार्बन से जुड़ा, तो आइसो प्रोपाइल ही तो हुआ है, सिखा रखा मैंने तीन कार्बन में, यदि बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा कहीं तो ये प्रोपाइल ग्रुप आइसो प्रोपाइल होगा। तो ये तो है एल्कोहल, ये आइसो प्रोपाइल है, और ये क्या है, क्लोरो मिथाइल, क्या है बेटे, क्लोरो मिथाइल। तो आप, मैंने आपको एक बार IUPAC का नियम बताया था कि क्या नियम है जिसे हमें फॉलो करना है, नियम पता क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो आप सिर्फ एक नियम याद रख लो, बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। नियम ये है IUPAC नाम लिखने का, कि सबसे पहले तो आपको जितने भी पूर्व लग्न हैं, प्रीफिक्स हैं, पूर्व लग्न लिखने हैं ABCD के क्रम में, ठीक है, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखो ABCD के क्रम में जितने भी हैं। भाई प्रधान क्रियात्मक समूह का तो कभी भी पूर्व लग्न लगता ही नहीं है, उसका तो अनुलग्न लगता है, सबसे पहले सारे पूर्व लग्न लिख लो, फिर उसके बाद आप लिख लो एल्क, क्या लिख लो एल्क, और एल्क के बाद लिख लो यदि कहीं ईन है, डबल बॉन्ड है तो उसे लिखो, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखो, और उसके बाद आप लिखो प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, फिर हमें लिखना है प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो ये नियम होता है, इस नियम को जिस बच्चे ने समझ लिया ना, तो वो IUPAC लिखने में कभी भी गलती नहीं करेगा। सबसे पहले तो जितने भी प्रीफिक्स लगने हैं, उन प्रीफिक्स या पूर्व लग्न को लिखो ABCD के क्रम में लिखो, फिर उसके बाद कार्बन परमाणु की जो सबसे बड़ी श्रृंखला आपने चुनी है उसमें कार्बन गिनो और एल्क का नाम लिखो, मैथ है प्रोप जो भी होगा, फिर उसके बाद यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इन करके लिख दो, यदि नहीं है तो फिर लिखना ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आइन करके लिख लो, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं तो उसे लिखना ही नहीं है, ना तो इसे लिखना ना तो इसे लिखना, फिर जो भी प्रधान क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न लिखना है। तो अब देखो प्रधान क्रियात्मक समूह तो OH है, इसका तो अनुलग्न बाद में लगेगा, सबसे पहले क्या लिखूं मैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में एक तो आपका जो है क्लोरो मिथाइल है, क्या है, क्लोरो मिथाइल, नई चीज आई है आपके सामने, इसे कहते हैं क्लोरो मिथाइल, क्या कहते हैं बेटे, क्लोरो मिथाइल कहते हैं इसे, क्लोरो मिथाइल तो C से शुरू हो रहा, और ये है आइसो प्रोपाइल, क्या है, आइसो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल आई से शुरू हो रहा, तो सी पहले आता है या आई ABCD में, आप कहोगे कि सर सी आता है पहले, तो सी आता है पहले, तो पहले तो मैं लिखूंगा क्लोरोमिथाइल को, पूर्व लगन ABCD के क्रम में लिखना है ना, क्लोरोमिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे पे, तो मैं लिखूंगा 3 क्लोरो मिथाइल, लिख दिया, फिर दूसरे कार्बन पे है ये आइसोप्रोपाइल, देखो आइसोप्रोपाइल है ना, 1 2 3 बीच वाले में जुड़ा हुआ,
दूसरे कार्बन पे है आइसो प्रोपाइल। लो ये पूर्व लगन तो हो गए पूरे। एल्क कितने कार्बन है? कार्बन है मुख्य श्रृंखला में पांच, तो पेंटेन। यहां तक लिखूंगा मैं, पेंटेन तक। पेंटेन तक इसलिए लिखूंगा क्योंकि ना तो इसमें जुड़ रहा है ईन, ना तो जुड़ रहा आइन। देखो ईन है क्या? डबल बॉन्ड है क्या? कहीं है ही नहीं। आइन ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? है ही नहीं। हमें पता है पेंटेनॉल है, ये पांच कार्बन वाला एल्कोहल है, पेंटेनॉल है। तो ईन नहीं लिखा, आइन नहीं लिखा। अब लिखा प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। प्रधान क्रियात्मक समूह क्या है? OH पहले नंबर पे आ रहा, तो वन ऑल ये हो गया। थ्री क्लोरोमिथाइल, तीसरे नंबर पे तो क्लोरोमिथाइल है, दूसरे नंबर पे आइसोप्रोपाइल है, पेंटेनॉल के पेंटेन पे वन पे OL है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको IUPAC नाम लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस कराई है। दूसरा देखो, चलो अच्छा नंबर दो। दूसरा है, यहाँ है बेटे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, और CH के नीचे जुड़ा हुआ है OH। उसके बाद फिर CH है, CH के ऊपर जुड़ा है CH2OH, और फिर CH3 है। इसका बताना है मैं IUPAC नाम। तो आप श्रृंखला तो इस बार सुन लोगे, OH आने चाहिए दोनों। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमें पता है हेक्सेनॉल है, और OH ग्रुप कौन कौन से नंबर पे आ रहा? पहले नंबर पे आ रहा और तीसरे नंबर पे, यानी डाईऑल है। अब बचे हमारे पास एक तो ये मिथाइल बचा और एक मिथाइल ये बचा, तो पहले तो पूर्व लगन में मिथाइल ही लिख दू। दूसरे पे और पांचवे पे है, तो आप लिखोगे 2,5-डाईमिथाइल। पहले तो पूर्व लगन लिखने हैं, दूसरे पे और पांचवे पे 2,5-डाईमिथाइल। ये तो हो गया आपके पूर्व लग्न। अब आपका जो है कितने कार्बन है? ये छह कार्बन है, छह कार्बन है, तो हेक्सेनॉल है। हेक्सेन कौन कौन से नंबर पे आ रहा? ओ एच ग्रुप पहले पे आ रहा और तीसरे पे आ रहा। हेक्सेन 1,3, दो जगह आ रहा, तो डाई ऑल। तो इसका नाम हुआ 2,5-डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3-डाईऑल। ये हुआ इसका IUPAC नाम। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तीसरा देखो बेटे, तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने? इसका भी IUPAC नाम हमें बताना है। इस तरह का बेटे, इन्होंने एक रिंग दे रखा है इस तरह का। ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, और इसके ऊपर जुड़ा है OH, और बेटे इस जगह जुड़ा है BR। इसका बताना है मैं IUPAC नाम। तो पक्की बात है नंबरिंग तो यहां से होगी। वन अंदर की तरफ कर रहा मैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो वन पे तो आपका OH ग्रुप है और तीन पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो तो पूर्व लगन है, तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे क्या है? ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और एल्केनॉल में साइक्लोहेक्सेनॉल है बेटे, क्योंकि चार कार्बन है। चक्रीय, चक्रीय को आप कहते हो साइक्लो, ठीक है, क्या कहते हो? साइक्लो। और छह कार्बन है हेक्सेन ऑल, 3-ब्रोमो-साइक्लोहेक्सेनॉल, ऐसे लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3-ब्रोमो-साइक्लोहेक्सेन-1-ऑल, पहले नंबर पे आ रहा ना। जैसे कुछ बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं, देखो मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे इसे हेक्सेन के बाद लिखते हैं 1-ऑल, ऐसे लिखते हैं हेक्सेन 1-ऑल। आप 1-ऑल लिखोगे नहीं तब भी ठीक ही है वो, ठीक है। 3-ब्रोमो-साइक्लोहेक्सेन-ऑल लिख दोगे खाली तो भी सही है, ठीक है बेटे। अच्छा चलो देखते हैं नंबर चार। नंबर चार देखते हैं क्या है। नंबर चार इन्होंने दिया है CH2,
फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और CH के नीचे यहाँ जुड़ा हुआ है OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग तो बेटे यहाँ डबल बॉन्ड की तरफ से होगी, आपको पता चल रहा होगा किसकी तरफ से होगी डबल बॉन्ड की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने कार्बन हुए? 6। रूल फॉलो करो, इसमें जो है बेटे कोई प्रीफिक्स तो है ही नहीं, पूर्व लगन तो इसमें है ही नहीं कोई। हमें पता है कि इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बेटे, इसमें है 6 कार्बन, 6 कार्बन है, पूर्व लगन कोई है नहीं, तो हेक्सेनॉल है, तो मैं लिखूंगा हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन क्या, इसमें तो भाई डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब हेक्स ही लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तो है बेटे इसमें, तो हेक्स के बाद हमें डबल बॉन्ड लिखना कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, वन इन, और एल्कोहल कौन से नंबर पे, तीसरे पे, थ्री ऑल, ये है बेटे इसका नाम, हेक्स वन इन थ्री ऑल। मैंने नियम आपको बताया था, सबसे पहले सारे पूर्व लग्न लिखो ABCD के क्रम में, फिर उसके बाद एल्क लिखो, फिर लिखो डबल बॉन्ड यानी ईन, फिर लिखो ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन, यदि है तो उन्हें लिखना पड़ेगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लिखा है मैंने, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए आइन नहीं लिखा है। फिर उसके बाद आप लिखो प्रधान क्रियात्मक समूह जो हमारा OH है, जिसका अनुलग्न है ऑल। ठीक है बेटे, अब देखो आप नंबर 5, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 5 पे क्या दिया इन्होंने, नंबर 5 पे इन्होंने दिया है CH3, सिंगल बॉन्ड C, और फिर नीचे CH3 है, और डबल बॉन्ड C है, यहाँ जुड़ा हुआ है Br, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH2OH, तो इसमें तो सीधा है नंबरिंग, यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4 होगी नंबरिंग। पूर्व लगन क्या है, एक तो ब्रोमो है, एक तो मिथाइल है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, पर इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड है, इन लिखना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे आ रहा, पहले तो पूर्व लगन लिख लो आप, 2 ब्रोमो, और तीसरे में मिथाइल है, 3 मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया है, बी पहले आता है, एम आता है बाद में, ABCD में, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, पूर्व लगन हो गए। एल्क कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन है, ब्यूट डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, दूसरे पे है ना, ब्यूट 2 ईन, और बेटे पहले नंबर पे है आपका OH ग्रुप ऑल, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 2 ईन 1 ऑल। इस तरह हमारा IUPAC नाम लिखने का तरीका होना चाहिए। जो नियम मैंने राइट साइड में आपको ब्लॉक में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उस नियम को आप हमेशा याद रखोगे। पूरा IUPAC पद्धति पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उस नियम को यदि आप समझ गए एक बार, तो कोई भी गलती आप नहीं करोगे IUPAC नाम लिखने में। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि दर्शाइए कि मिथेनॉल पर उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, दर्शाइए कि, ध्यान से समझिए जरा इस क्वेश्चन को, दर्शाइए कि मीथेनल, मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड होता है, उपयुक्त माने उचित होता है, उचित, ठीक, दर्शाइए कि मीथेनल पर उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्न अल्कोहल कैसे विरचित किए जाते हैं, निम्नलिखित अल्कोहल कैसे, विरचित करने माने बनाया, चलो विरचित ही लिख दूं, विरचित
किए जाते हैं। मतलब हमें बताना है कि मीठे नल पर किसका रिएक्शन कराएं कि ये वाला अल्कोहल बन जाए। नंबर एक कौन सा बन जाए, देखो क्या दे रखा है इन्होंने। इन्होंने दे रखा है कि CH3, CH, और यहाँ भी CH3 है, और फिर यहाँ है CH2, और इससे जुड़ा है OH। ये है 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, और इधर से इस नंबर पे जुड़ा है CH3, आइसो ब्यूटाइल है। ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यदि आप आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना चाहते हैं मीथेनल, मीथेनल का मतलब समझते हो आप? मीथेनल बेटे फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं, मीथेनल कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। HCHO का नाम मीथेनल होता है IUPAC में, HCHO। तो ये यूं कह रहे कि फॉर्मल्डिहाइड पे किसका रिएक्शन कराओगे कि ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ मैं बता रहा, ध्यान से समझियो, दिमाग का खेल है सारा, ध्यान से समझियो, सब बच्चे दिमाग का खेल है, तैयार हैं सब? देखो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कहा मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, ये लिख दिया HCH डबल बॉन्ड O, आ गया मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। किसका रिएक्शन कराऊं कि ये बने, ध्यान से समझियो जरा, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है इन बातों की। देखो इसमें कितने कार्बन हैं, चार हैं, और ये एक कार्बन तो यहां भी है, तो आपको तीन कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड या फिर ग्रिगनार्ड लेना पड़ेगा, तीन कार्बन वाला। देखो इसमें कितने कार्बन हैं, चार, एक कार्बन तो इससे भी मिलेगा, तो तीन कार्बन वाला आपको ग्रिगनार्ड चाहिए, और तीन कार्बन में भी आइसो वाला चाहिए। यदि ये आइसो ब्यूटाइल है ना, तो आप आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो आप, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ले लो, जिसमें आर की जगह आइसो प्रोपाइल आता हो। देखो ध्यान से प्लस, अब देखियो समझ में आएगा आपके। मुझे दिख रहा कि यहाँ कितने कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल है, तो मैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप लिखूंगा यहाँ, क्या लिखूंगा, आइसो प्रोपाइल। देखो ध्यान से, आइसो प्रोपाइल लिख रहा क्या मैं, CH3 CH CH3, बताओ आइसो प्रोपाइल ग्रुप नहीं है क्या? और ये यूं कह रहे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से करानी रिएक्शन, तो लो MgBr, ये लिख दिया लो। इसका नाम आपको बताइए क्या है, आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आप आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करके तो देखो, जब आप आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करोगे तो इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये तो यहां से टूट के जुड़ेगा ना, तो ये जो आइसो प्रोपाइल ग्रुप है यहां जुड़ेगा, देखो CH3 ये जुड़ेगा यहाँ, ये तो जुड़ेगा इस कार्बन पे, और बेटे MgBr जुड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर। कैसे जुड़ेगा देखो ध्यान से, यहाँ एरो का निशान लगाया, एक कार्बन बना रहा मैं, देखते रहियो, कार्बन कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, चलो दोनों को अलग अलग ही बना देता हूँ, लो दो हाइड्रोजन ये जोड़ दिए। अब ये तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, इसी कार्बन के ऊपर ये CHB तो जुड़ेगा, और CH पे दो CH3 हैं, इस पे जुड़ गया ये CH, और CH के पास क्या है, दो CH3 हैं, लो दो CH3 ये जोड़ दिए। ठीक है, अब इस कार्बन के आगे सिंगल बॉन्ड बचा है, ये बच गया सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ा है, ओ, और ओ के ऊपर जुड़ गए हैं MgBr, ओ ओ के ऊपर जुड़ गए हैं MgBr। तो इस तरह का कंपाउंड आया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ये CH है, देखो एक चैन ही से मान लो, एक दो तीन कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन हुए, एक दो तीन कार्बन हुए, और तीन कार्बन में से दूसरे कार्बन पे नीचे CH3 है, इसे आप अलग अलग एच ना लिख के CH2 भी लिख सकते हैं, यदि आपको आसान लगे उसे लिखना। अब तो आपको पता ही है इसका जल अपघटन करोगे आप, HOH जल अपघटन करोगे, बॉन्ड ये वाला टूटता है, यहाँ H और यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट निकलेगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये निकल गया। मेन प्रोडक्ट पे गौर फरमाओ, ये CH3 लिखूं, ये लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड से ये CH लिखूं, ये लिख दिया CH, इस CH पे नीचे CH3 जुड़ रहा, ये जोड़ दिया CH3,
इस सी एच के आगे सिंगल बॉन्ड से सी एच टू है, देखो सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये जोड़ दिया सी एच टू, और इस सी एच टू पे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से ओ एच। बताओ वही चीज नहीं बनी क्या जो बनानी थी हम? देखो ये बनाना था ओ एच, सी एच थ्री सी एच सी एच टू ओ एच, सी एच थ्री सी एच सी एच टू ओ एच, और इसके एक नीचे सी एच थ्री, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एक बात, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपको कार्बन परमाणु अल्कोहल में दिख रहे ना कितने हैं, चार, तो आपको जो ग्रिगनार्ड लेना पड़ेगा तीन वाला लेना पड़ेगा, आइसो दिख रहा तो आइसो ही ले लो। ये आइसो ब्यूटाइल था तो हमने आइसो प्रोपाइल लिया है ग्रिगनार्ड में, आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है? थोड़ा दिमाग का खेल है, ध्यान से समझियो। नंबर सेकंड, इसमें भी दिमाग का खेल है, इन्होंने क्या कहा था, दर्शाइए कि मिथेनल पर उपयुक्त ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया द्वारा निम्न अल्कोहल कैसे विरचित करेंगे। मिथेनल माने फॉर्मल्डिहाइड पे किसका रिएक्शन कराओगे कि ये बन जाएगा, ये रिएक्शन बतानी थी हमें, हमने बता दी रिएक्शन ऐसे होगी। दूसरे नंबर में ये हमारे से बनवाना चाह रहे हैं इस तरह का कोई साइक्लोहेक्साइल है एक ग्रुप, और इसके ऊपर जुड़वाना चाह रहे हैं सी एच टू ओ एच, ये जुड़वाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, आपको नजर आ रहे हैं इसमें छह तो कार्बन ये रहे रिंग वाले और एक ये रहा सात, तो मैं जो भी ग्रिगनार्ड लूंगा उसमें इस कार्बन को नहीं लेने का, ये कार्बन तो यहीं से ही मिल जाएगा हमें, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड हम इसे कहते हैं एस सी एच ओ को, फॉर्मल्डिहाइड, ये आईयूपीएसी में कह रहे हैं मिथेनल, फार्मूला होता है एस सी एच ओ, संरचना ऐसी होती है। तो इन्हें ये वाला एल्कोहल यदि चाहिए ना, तो देखो जरा कैसे मिलेगा ये एल्कोहल, यहां से समझा दूं क्या रिएक्शन को, ये है एच सी एच ओ, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे ग्रिगनार्ड का रिएक्शन कराऊंगा जिसमें एल्काइल ग्रुप के जगह ये सी एच टू नहीं होने का, खाली ये रिंग होगा। देखो ग्रिगनार्ड में क्या बना रहा हूं, ये तो हो गया साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया ब्रोमाइड, समझ रहे हैं आप? नाम तो बता दोगे इसका, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है बॉन्ड तो ये टूटना है, यहां से बॉन्ड टूटना है, यहां तो जुड़ेगा ये रिंग इस तरह का साइक्लोहेक्साइल, बेंजीन रिंग नहीं है बेटे ये, और यहां जुड़ जाएगा एम जी बी आर। अब देखियो ध्यान से, कार्बन के ऊपर यहां से ही तो जुड़ेगा बेंजीन रिंग, क्या बनेगा बताओ? मैं पहले इसे बेंजीन रिंग को ही बना दूं, चलो सॉरी बेंजीन रिंग नहीं, खाली साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बना दिया, उसके ऊपर एक कार्बन पे जुड़ा, इस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन पे कितने एच हैं पहले से, दो, तो बेटे ऐसे लिख दूं क्या इन्हें टी एच टू, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद सामने क्या है ओ है, ठीक है, ओ के ऊपर कौन जुड़ा है एम जी बी आर, ये जोड़ दिया हमने एम जी बी आर। अब बताओ इसका जल अपघटन कर दोगे क्या आप, जब आप इसका जल अपघटन करोगे ये बॉन्ड टूटेगा, एच ओ एच साइड प्रोडक्ट निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मेन प्रोडक्ट इस रिंग के ऊपर सी एच टू ओ एच आ जाएगा। लो सीधा करके बना दिया, जगह कम है मेरे पास, इसके ऊपर आ गया सी एच टू ओ एच, बताओ वही नहीं बना गया प्रोडक्ट, देखो वही प्रोडक्ट नहीं बना गया, यही तो चाहिए था हमें, इस रिंग के ऊपर सी एच टू ओ एच, इस रिंग के ऊपर सी एच टू ओ एच है। तो आपको सिर्फ ये खेल समझना है कि कार्बन जितने परमाणु उन्हें चाहिए उससे घटा के ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाओ, एक कार्बन को घटा के बनाओ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है बेटे? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब करेंगे बेटे हम क्वेश्चन नंबर पांच, पांचवे क्वेश्चन पे आ गए पाठ्यनीति के, इसमें कहा निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए, निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों यानी प्रोडक्ट, उत्पादों की संरचना लिखिए। तो हमें संरचना बतानी है, कुछ उन्होंने रिएक्शन हमें पूछे हैं, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी संरचना बतानी है। नंबर एक पे देखो जरा क्या पूछा है,
नंबर एक पे पूछा है कि आपके पास ये CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इस तरह का कोई कंपाउंड है। इन्होंने कहा है कि आप इसका जल के साथ क्रिया कर दो अम्ल की उपस्थिति में। तो ये तो जल योजन है, ठीक है, जल योजन है, तो आपको पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ OH जुड़ेगा, पता है ना। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ मार्कोनी कॉब्स रूल लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनी कॉब्स रूल। मार्कोनी कॉब्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे। तो OH नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन एक है, इधर दो है, इधर तो जुड़ेगा OH नेगेटिव, इधर जुड़ेगा H पॉजिटिव, यही तो है मार्कोनी कॉब्स रूल। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3, सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ जुड़ा होगा ओ एच, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, बताओ क्या बनेगा यहाँ, सी एस थ्री। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नाम तो बता दोगे इसका भाई, यदि नंबरिंग करते हो ना 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल है, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, IUPAC में तो ये नाम है। और यदि आप पूछते हो इसका नाम सामान्य में बताओ, तो ये देखो तीन कार्बन बीच वाले पे OH जुड़ा हुआ, तो आइसो प्रोपाइल है ये ग्रुप, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। क्या है बेटे? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है। सामान्य नाम लिख सकते हो, IUPAC लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। अब आ जाओ आप दूसरे रिएक्शन पे देखते हैं, चलो दूसरा रिएक्शन क्या दिया है इन्होंने। दूसरा रिएक्शन दिया है इस तरह का, एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप दिया है इन्होंने, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड से जोड़ रखा है ओ ऑक्सीजन, और यहाँ जोड़ रखा है बेटे CH2, उसके बाद जोड़ रखा है इन्होंने C, और नीचे डबल बॉन्ड ओ, और फिर जोड़ रखा है OCH3। अच्छा, CH3 COO ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, ठीक है। इसके ऊपर ये कह रहे कि रिएक्शन करनी है NaBH4 का, इसका रिएक्शन करना है NaBH4। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ये जो NaBH4 है ये एक अपचायक है, और इससे आपको मिलेगा नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिलेगा इससे, यानी कि यहाँ रिएक्शन का पर्पज है अपचयन करना, यहाँ अपचयन होगा। अब नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन तो आपको पता है, यहाँ होगा बेटे रिएक्शन, ध्यान से देख लियो, एक बॉन्ड टूटेगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, इस तरह एक एच तो ऊपर जुड़ेगा एक एच नीचे जुड़ेगा, ये आ जाएगा आपका रिंग साइक्लोहेक्साइल वाला, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ओ एच, उसके बाद यहाँ जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से CH2, और यहाँ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ OCH3, इस तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा। अब यदि इस कंपाउंड का आप नाम बताना चाहते हो, तो 1 2 इस पे तो नंबरिंग ऐसे होगी, ठीक है, और इस पे नंबरिंग ऐसे होगी, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, अंदर की तरफ कर दूं 1 2, इस तरह नंबरिंग होगी बेटे इस पे, यानी कि मुख्य श्रृंखला तो वो है जो बाहर की तरफ है इस रिंग से, और इस रिंग में भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है बेटे। और ये हो जाएगा आपका एक तरह का साइड चेन मिथाइल। तो यदि कोई आपसे पूछ ले कि ये CH3 तो मिथाइल है, मान लो मैंने इसका प्रीफिक्स लगा दिया मिथाइल, अब मिथाइल के बाद क्या क्या चीज है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है साइक्लोहेक्साइल के, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है साइक्लोहेक्साइल के, तो आप लिख सकते हो दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है किसके, दूसरे नंबर पे साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। तो मिथाइल टू हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल, और क्या है ये, दो कार्बन वाला एल्केनोइड, क्या होता है, इथेनोइड, इथेनोइड मतलब मिथाइल इथेनोइड है, मिथाइल इथेनोइड है, पर मिथाइल इथेनोएट में इथेनोएट के साथ समस्या ये हो है कि उससे एक क्या जुड़ा हुआ है, टू हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़ा है, टू हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल ग्रुप क्या है, जुड़ा है। यदि नाम बताना चाहते हो तो ऐसे बता सकते हो आप, ठीक है।
चलो तीसरा रिएक्शन देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। तीसरा रिएक्शन, वैसे इन्होंने हमारे से नाम नहीं पूछा है, मैंने बता दिया, नाम लिख दिया। इन्होंने तो सिर्फ यूं पूछा है कि बताओ क्या बनेगा, संरचना बताओ उसकी। तीसरे रिएक्शन में दिया है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और CH के नीचे जुड़ा है CH3, और यहाँ जुड़ा है एल्डिहाइड CHO। CHO की संरचना खोल के लिख रहा देखो मैं, ये दिया है। और इसका भी भाई इन्होंने यही कहा है, क्या कहा है बेटे, इसका कहा है NaBH4 से ही रिएक्शन करो भाई, नवजात हाइड्रोजन देगा, यानी कि इसका रिएक्शन का पर्पज है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन कह दो या रिडक्शन कह दो, एक ही बात है। बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, दो एच हैं, एक एच इधर जुड़ेगा, एक एच इधर जुड़ेगा। बताओ, ये तो सिंपल सा कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे क्या जुड़ेगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा ना बेटे इस बार, ये CH2 बन जाएगा, CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा ही तो बनेगा बेटे कंपाउंड। बताओ इसका नाम क्या है, नंबरिंग कहाँ से करोगे इसके, 1, 2, 3, 4, ब्यूटेनॉल है, ठीक है, 2-methyl-butane-1-ol नाम लिखना है, तो 2-methyl-butane-1-ol ये होगा इसका नाम, 2-methyl-butane-1-ol ये इसका नाम होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और अब हम आ गए हैं पाठ्य नीति के क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान से देखना सब बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 6, यदि निम्न एल्कोहल क्रम से है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित एल्कोहल क्रम से है, यदि निम्नलिखित एल्कोहल क्रम से है, क्या कहा इन्होंने, HCl, ZnCl2, ए में तो कहा इन्होंने HCl और ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है ना, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। मैं लिख दूं अभी तो मेरे याद है, ल्यूकास अभिकर्मक मतलब इसका रिएक्शन करके दिखाना हमें, ल्यूकास अभिकर्मक कैसे रिएक्शन करेगा, एक यौगिक देंगे उसके ऊपर इसका रिएक्शन पूछेंगे कि कैसा होगा। बी में कह रहे हैं HBr, उसी यौगिक के ऊपर हमें HBr का भी रिएक्शन बताना है, और सी में कह रहे हैं थायोनील क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा, से अभिक्रिया करें, से अभिक्रिया करें या करते हैं तो क्या प्राप्त होता है या क्या बनेगा, ऐसे लिख दूं क्या बनेगा, मतलब एक यौगिक देंगे उसके ऊपर आपको ये वाला रिएक्शन बताना, ये वाला बताना और ये वाला बताना, बस ये है इनका प्रपोज, बता देंगे कोई बात नहीं है। नंबर क्या दे रखा है इन्होंने, नंबर ए नहीं नंबर वन, पहला दे रखा है इन्होंने ब्यूटेन 1-ol, ब्यूटेन 1-ol इसके ऊपर रिएक्शन बताने हैं तीनों, बताने तीनों रिएक्शन, पहले वाला ए करके लिख रहा बेटे मैं, ब्यूटेन 1-ol तो पता है आपको, CH3 CH2 CH2 CH2OH यही तो होता है ब्यूटेन 1-ol, तो इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें इसका, ल्यूकास अभिकर्मक का। बिल्कुल कर दोगे आप रिएक्शन, कैसे कर दोगे देखो, HCl और तीर के ऊपर ZnCl2, रिएक्शन सिखा रखा है मैंने आपको, देखो यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है H, ये निकल गया H2O, और H2O निकलने से प्रोडक्ट आया आपका 4 कार्बन और लास्ट में Cl, CH3 CH2 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 Cl। बताओ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर आप इसे कुछ और भी कह सकते हो, नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन,
आप इसे 1-क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। ए तो कर दिया, अब बी में क्या कह रहे हैं करने के लिए? बी में कह रहे हैं HBr से रिएक्शन करके दिखाओ, इसका हिम्मत है तो उस कर देंगे हम। CH3 CH2 CH2 OH, ये तो हमारा भाई है जिसका कत्लेआम होना है। प्लस रिएक्शन किसके साथ करनी है बेटे? HBr के साथ रिएक्शन करनी है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर दोगे रिएक्शन। इसमें भी H2O साइड प्रोडक्ट निकलेगा, पहले कार्बन पे Br जुड़ जाएगा, CH3 CH2 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 Br, 1 2 3 4। IUPAC नाम ही लिख दूं? वैसे तो आप नॉर्मल नाम लिखोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या IUPAC नाम लिखोगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटे? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा फिर क्या कहा इन्होंने सी नंबर पे? सी किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड, ये तो PCl5 का भाई है, आपको पता है ना PCl5 का भाई है। देखो CH3 CH2 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 OH, इसके ऊपर थायोनिल क्लोराइड का जब आप रिएक्शन करोगे तो पता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, कितने Cl हैं? दो। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में SO, HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, ठीक है बेटे? और बेटे कोमा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, चार कार्बन पहले पे Cl, CH3 CH2 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 Cl। बताओ नाम तो ऊपर लिख ही रखे, यही तो है ये प्रोडक्ट, नाम लिख लोगे आप अपने आप, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या 1-क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है बेटे? वही नाम है इसके भी। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, अगले देख रहे हैं फिर क्वेश्चन क्या क्या है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर दो, दूसरा पार्ट देखो क्या दिया है। दूसरा पार्ट दिया है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसके ऊपर रिएक्शन करानी उन्हीं तीनों की। नंबर ए, पहले तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन है, देखते रहना ध्यान से। दूसरे पे मिथाइल है, दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया मिथाइल, और दूसरे पे ही है OH, ये जोड़ दिया OH, ये है बेटे 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हमें ल्यूकास अभिकर्मक का, यानी HCl, और यहाँ लिखूं ZnCl2, इसका रिएक्शन कराना है। तो सबको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, और ये लिख दिया हमने -H2O, और Cl आ जाएगा इसकी जगह, ये बनेगा CH3, C ऊपर भी CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या आ गया बेटे? Cl आ गया। बताओ नाम बता दोगे क्या? इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। देखो नंबरिंग करके देख लो ना, 1 2 3 4 हो गया, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, यही तो होगा बेटे इसका नाम, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा नंबर बी, अब किसके साथ करना था रिएक्शन? HBr के साथ, ये है हमारा CH3, C ऊपर भी CH3 है, नीचे OH है, यहाँ CH2 है, फिर CH3 है, इसका रिएक्शन हमें करना है बेटे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, आपको बताया यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3, यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? Br, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। नाम बताओ इसका, 3-क्लोरो था, सॉरी 2-क्लोरो था, ये 2-ब्रोमो हो जाएगा, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, यही तो होगा नाम, बस क्लोरो की जगह ब्रोमो आ गया। नंबरिंग तो बिल्कुल वैसे ही करोगे आप। नंबर सी देखो, चलो सी पे भी रिएक्शन दिख रहे हैं, क्या है रिएक्शन? CH3 CH2
ऊपर भी CH3 है, नीचे है OH। ऐसे बनाया मैंने, क्यों बनाया? कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा और कुछ की समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा समझ में। किसका रिएक्शन कराना था यहाँ? थायोनील क्लोराइड का कराना था ना, इसलिए करा मैंने इसे अलग, क्योंकि थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2 की आदत है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ने की, ये भी और ये भी, एक सीएल इधर एक सीएल इधर, बीच में SO। ठीक है, बताओ क्या निकला ये? SO2 गैस निकली जी। ये क्या निकला? ये HCl निकला जी, मेन प्रोडक्ट। यहाँ सीएल आ जाएगा, CH3C, यहाँ सीएल, और ये CH2 है बेटे, और ये है CH3। बताओ वही प्रोडक्ट नहीं है क्या? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, दूसरे पे क्लोरो है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिला है। इस तरह हमारा हो गया है कि उसके नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है बेटे, अब चलो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा इन्होंने देखे? निम्न यौगिकों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन कीजिए। निम्न यौगिकों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन यानी इनके अंदर से H2O निकालना है हमें। H2O क्या निकालना है? H2O डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलन। कौन कौन से यौगिक हैं देखते हैं। चलो नंबर एक पे इन्होंने दिया है इस तरह का एक रिंग दिया है, साइक्लोहेक्साइल वाला ही, और इससे यहाँ इस वाले कार्बन पे एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है OH। इसका हमें निर्जलन करना है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ये एरो का निशान लगा दिया मैंने और लिख दिया अम्ल की उपस्थिति में आप इसे गर्म करोगे। ऐसा करने से आपका एक तरफ से H और एक तरफ से OH यानी H2O निकलेगा। H2O को ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो बेटे एक बात बताऊंगा आपको भाई, यदि आप सुनियो ध्यान से, इस कार्बन से OH उठाते हो तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है आकर। यदि इस कार्बन से OH उठा लिया तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि यदि डबल बॉन्ड, मान लो आप जो है इस कार्बन से OH उठा रहे हैं, तो आपको H इस कार्बन से उठाना है या इस कार्बन से उठाना है या इस कार्बन से उठाना है। ये तो तीन तीन ऑप्शन खड़े हो गए यहाँ भाई। OH तो यहाँ से, ये OH इसी कार्बन पे तो जुड़ा है, ये OH किस पे जुड़ा है? इस कार्बन पे। तो OH तो चलो यहाँ से उठा लेंगे हम, H यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं? अब यदि यहाँ से उठाऊं, यहाँ क्या है बेटे? CH2 है, 2H, यहाँ भी 2H, तो ये दोनों तो एक जैसे ही केस है, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, कहीं से भी उठाओ एक ही बात है। दिक्कत तो यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी दो है, पर यहाँ तो तीन है हाइड्रोजन। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेट जैफ। क्या था? सेट जैफ का नाम याद आ गया होगा कुछ बच्चों को। ठीक है, सेट जैफ ने बताया था कि आप विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन वहां से उठाओगे जहां कम है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो। यहाँ हाइड्रोजन दो, ये तो दोनों एक ही केस है। चलो इसे तो मैं देखता नहीं, इसे ही देखूंगा सिर्फ। यहाँ हाइड्रोजन क्या है? यहाँ हाइड्रोजन दो है और यहाँ हाइड्रोजन तीन है। तो सेट जैफ के अनुसार हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा जब भी बनने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से हम उठाएंगे एच और यहाँ से उठाएंगे ओ एच। लो ये एच दिखा दिया मैंने यहाँ, तो यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच, H2O निकल गया। प्रोडक्ट देखो क्या बना, ये रिंग है, इस पे CH3 बेचारा जोंका तो रह गया, इसे किसी ने पूछा ही नहीं है। यहाँ से इस कार्बन से OH, इससे H उठा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यूं बताओ। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। पर बेटे एक बात है, पता क्या बात है? यदि इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H उठ गया ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ यानी यहाँ से OH और यहाँ से H उठ गया, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएगा, रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस तरह का, ये डबल बॉन्ड आ गया।
और यहाँ बचेगा फिर CH2, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर बनना है। ये जो पहले वाला प्रोडक्ट है इसका नाम है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्टेन, यहाँ लिख दूंगा इसका नाम 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये बात भी पता है कि ये अधिक मात्रा में बनेगा क्योंकि इसका उत्पादन सेट जेफ के नियम से हमने करा है, अधिक मात्रा में यही बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट है 1-मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1-मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। देखो ये डबल बॉन्ड है तो इसे इन कर लेना, साइक्लोहेक्सीन, वो सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन, समझते हो ना, एन माने सिंगल बॉन्ड और इन माने डबल बॉन्ड। तो इस तरह के दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। और ये भी बात यहाँ जरूर लिख लेना कि ये बनेगा कम मात्रा में या अल्प मात्रा में इसका उत्पादन होगा, इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट भी देखो बेटा क्या है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है, ब्यूटेन वन ऑल, इन्होंने दिया है ब्यूटेन वन ऑल, ये दिया है सेकंड पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने नाम दे रखा था 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम था 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये नाम दिया था इन्होंने, इन्होंने नाम दिया था 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हमने 1-मिथाइल और साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी यही तो मिथाइल है, यही OH है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के ऊपर, ये नाम दिया था। और दूसरे में इन्होंने नाम दिया है ब्यूटेन वन ऑल। तो ब्यूटेन वन ऑल का मतलब तो समझते हो आप, कितने कार्बन हैं, चार, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ जुड़ा है आपका इसके ऊपर OH, ये है, ये ब्यूटेन वन ऑल है, जिस तरह ये 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल था, इन्होंने बेटे नाम दिया था ये नाम, और इस नाम से हमने संरचना बनाई है ये वाली, ठीक है। अब इन्होंने नाम दिया है ब्यूटेन वन ऑल, इससे हमने संरचना बनाई है ये वाली। इसका आपको करना है अम्लीय निर्जलन, अम्ल की उपस्थिति में गर्म करना है जिससे H2O यहां से निकलेगा। तो आप इस कार्बन से तो OH और इस कार्बन से H उठा सकते हो, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों तो जूं के तू हैं, CH3 CH2 जूं के तू हैं, ठीक है। और ये CH2 यदि यहां से H उठा और यहां से OH उठाए तो यहां आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जब ये रिएक्शन होती है ना, तो इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, एक तो ऐसा बनता है जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, एक बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो मैं आपको बताता हूं, और वह पहले भी बताया है, देखो क्या होता है बेटे, यहाँ जो है एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे आप कहते हो पुनर्विन्यास। जब यह रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इसके मैकेनिज्म से, इसकी क्रियाविधि से हमें पता चलेगा कि देखो, चार कार्बन के बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पे, या पहले कार्बन पे कह दो, पॉजिटिव चार्ज यदि आएगा तो कार्बोकैटायन वो प्राइमरी है, और यदि पॉजिटिव चार्ज पुनर्विन्यास के कारण यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन पे, तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। और सबको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन से तो ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, मैंने आपको सिखा रखी है बस से। तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, वो प्रोडक्ट ऐसा होगा, ध्यान से देखियो, यहाँ बीच में आएगा डबल बॉन्ड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इन दो प्रोडक्ट का मिक्सचर आपको मिलना है। ये जो पहला प्रोडक्ट है इसका नाम आपको बताए, 1 2 3 4 करोगे तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट वन इन, यही तो होगा, ब्यूट वन इन है इसका नाम। दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करके देखो क्या नाम हो जाएगा, इधर से कर लो या इधर से कर लो, एक ही बात है, क्या नाम है बताओ, ब्यूट टू इन,
आपको बेटे एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहला प्रोडक्ट है ना, ये जिस कार्बो कैटायन से बना है वो प्राइमरी कार्बो कैटायन है और वो कम स्टेबल है, तो रिएक्शन होने के चांस कम होंगे। जो कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है, उससे रिएक्शन होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। मैंने आपको समझाया था SN1 रिएक्शन में, जब SN1 रिएक्शन पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब इससे ये जो प्रोडक्ट आपका मिला है ये प्राइमरी कार्बो कैटायन से बना हुआ प्रोडक्ट है, और प्राथमिक कार्ब धनायन कम स्थाई होता है, तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा। मैं इसे लिखूंगा अल्प मात्रा में या कम मात्रा में ये उत्पाद आपको मिलेगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, पुनर्विन्यास होने के कारण प्राइमरी कार्बो कैटायन सेकेंडरी कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, और जब वो सेकेंडरी कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हुआ, ज्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर आई, तो रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए सेकेंडरी कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और मैं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा आपका अधिक मात्रा में। और क्यों हुआ ये? पुनर्विन्यास के कारण प्राइमरी कार्बो कैटायन सेकेंडरी कार्बो कैटायन में बदल जाता है। ये मुख्य उत्पाद आपका ये होगा इसमें। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दिया, रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी, रिएक्शन जब चलेगी, तो पहले कार्बो कैटायन बनना है, और कार्बो कैटायन जब बनेगा तो प्राइमरी बनेगा, पर प्राइमरी कार्बो कैटायन ज्यादातर संख्या में सेकेंडरी कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी का चांस होते तो टर्सरी में कन्वर्ट होता, पक्की बात है, पर यहाँ तो टर्सरी कार्बो कैटायन बनने का कोई चांस ही नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। ज्यादातर प्राइमरी कार्बो कैटायन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए आपका सेकेंडरी से बनने वाला प्रोडक्ट ये है। ठीक है। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन शॉट लेंगे, आज बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, कल करेंगे और क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीन शॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीन शॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। मैं बार बार बेटे आपको एक ही बात कहता हूँ कि आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस में स्टडी करनी चाहिए। यदि आप निश्चित क्रम में पढ़ाई करोगे तो आपको पीछे का सब कुछ पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और यदि किसी भी वीडियो को रैंडमली कहीं से भी आप देख लोगे तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। आप, मैं यूं नहीं कह रहा कि पहली यूनिट से ही आप स्टार्ट करो, आप किसी भी यूनिट को पढ़ो तो पहले वीडियो से पढ़ो और फिर पढ़ते चले जाओ अगले वीडियो में, यानी कि एक निश्चित क्रम में किसी भी यूनिट को पढ़ो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लिया और फिर वो सिर के ऊपर को चला गया कि सर ये रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन कैसे हुई। अरे भाई, आपको सब कुछ समझ में आएगा यदि आप एक निश्चित क्रम बनाकर रखोगे, ठीक है, एक निश्चित नियम के अनुसार पढ़ोगे। ठीक है बेटे, बस अपने नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाया करो, PDF के चक्कर में कम पढ़ा करो। यदि जिंदगी में सफल होना है तो शॉर्टकट लेना बंद कर दो बेटे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।